ओके, आज हमारे साथ एक बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद है जिन्होंने टीवी पे आके एक तहलका मचा दी है। सो हाय जवेरिया, ये क्या किया आपने सोशल मीडिया पे आके एकदम से? मुझे आदत है हंगामे मचाने इतना बड़ा कैरेक्टर को आप, आई थिंक जस्ट चेंज लिया है, यहाँ क्या रीजन थी या क्या हुआ सडनली कि एक जो इतना फाइजा के नाम से एक एक्ट्रेस है और उनका कैरेक्टर गौहर के नाम से जो टीवी पे है और नाउ यू आर द फेस ऑफ दैट ड्रामा नंद? देखे, जिंदगी में ऐसा होता रहता है कि इंसान बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ छोड़ देता है। तो मैंने काफी अर्से से एक्टिंग जो है इस तरह लिहाज से छोड़ी हुई थी कि मैं किसी और के प्रोडक्शन में काम नहीं कर रही थी। तकरीबन 20 साल बाद मैंने किसी और की प्रोडक्शन, एंड यस आफ्टर 20 इयर्स यू आर डूइंग फॉर अदर्स प्रोडक्शन के लिए आप काम कर रही हैं। बिल्कुल, जेएस के लिए काम कर रही हैं। लास्ट ड्रामा मैंने 2000 में हुमायूं सिल्क प्रोडक्शन का किया था अना, और उसके बाद अब मैंने ये फहद मुस्तफा अली का जो प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग उसका ड्रामा 20 साल बाद मैंने किया है। और मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और फायजा ने इसे बहुत अच्छी तरह निभाया है। इस कैरेक्टर को उनकी अपनी कोई पर्सनल वजूहत है जिसकी वजह से वो आगे इस सोप को लेके नहीं चल सकी। सोप सीरियल सोप है ये। तो फिर मुझे उनसे पूछा गया कि क्या आप ये कैरेक्टर करेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि आप ये कैरेक्टर करें। तो मैंने फिर सबसे पूछा, सब ने कभी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ मनाया ही नहीं किया करने, वो कभी मना भी नहीं करते आपको। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चले आप 20 साल बाद किसी और के प्रोडक्शन हाउस में काम करके देखते। तो मैंने फौरन हाँ कह दिया। कैरेक्टर बहुत बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुझे लिंक भेजा तो मैंने देखा और मुझे लगा कि चूंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स मैंने किए नहीं है, ज्यादातर रोते हुए कैरेक्टर्स किए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पैम पर के दिखाया जाए। तो कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, लाइक वर्किंग विद इजाज असलम के साथ और मिनाल भी इसमें और काफी सारी अच्छी कास्ट है। इजाज के साथ मैंने पहले काफी काम किया है और जाहिर है हम लोग पुराने साथी हैं। साइमा कुरैशी इसमें हुई बहुत पुरानी, शहरोज। मजे की बात यह है कि 2000 में जो मैंने अना किया था उसमें भी शहरोज मेरा भाई बना था, और 2020 में जब मैं ये कर रही हूँ नंद, इसमें भी शहरोज मेरा भाई ज्यादा स्पॉट। बिल्कुल। तो हम लोग पुरानी बातें याद करते हैं और बहुत मजा आता है। नए लोगों के साथ भी मजा आता है, पुराने लोगों के साथ भी मजा आता है। और मेरे लिए थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अपनी प्रोडक्शंस में जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, लिखना भी है, देखना भी है, सारी चीजें करनी है। तो हम वो टाइम जो बैठ के बातें करने का थोड़ा सा हमें मिलता है आर्टिस्टों के साथ, वो हम दे नहीं पाते, हम उसमें दूसरे काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ी रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है सिवाय इससे कि मैं अपना सीन अच्छा करके दिखा सकूं। okay. तो इसलिए मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। अब तक कैरेक्टर आपका भी ऑन एयर नहीं हुआ, राइट? नहीं, बस होने वाला है, मतलब एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान ने कवर किया आपको। ओके, ये तो कैसे लग रहा है कि फैंस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बिकॉज उस कैरेक्टर को लेके इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था बाय द वे सॉलिड का। तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डायरेक्टर एक्चुअली एक किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए उसमें एक राइटर का और एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, और डायरेक्टर और राइटर्स जो हैं मिलके उसी उस कैरेक्टर को बनाते हैं और फिर उसमें चार चांद लगाता है आर्टिस्ट खुद। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा फायजा ने इस कैरेक्टर को निभाया है और मेरी कोशिश होगी कि मैं भी इस कैरेक्टर को उसी तरह निभा सकूं। लेकिन बस मसला सिर्फ यह है कि जो दूसरे कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये चीजें हैं, और मैंने तो अपने हाथों से कैरेक्टर्स बनाए हैं और दिखाए हैं। जैसे भोले का कैरेक्टर था, पहले फहद मुस्तफा ने किया, फिर वो बच्चा था उसने किया, फिर उसके बाद नुमान हबीब ने किया, तो वो कैरेक्टर एक ही था। आई थिंक भोले के कैरेक्टर से मुझे लगता है फहद मुस्तफा ज्यादा हाईलाइट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल। तो चेहरे बदल जाते हैं और किरदार भी रहता है। ओके, जवेरिया, व्हाट इज जो आपके बेटे के नाम से एक भी आप खुले अपार्ट फ्रॉम दिस, कि वो उसके बारे में बताएं जो जन्नत का है। बिल्कुल, जन्नत जवेरिया मेरी क्लोथिंग लाइन है जहाँ पे 2000 से लेकर 2 लाख तक के कपड़े भी आपको मिल सकते हैं, ब्राइडल वेयर, फॉर्मल वेयर। यू वेयरिंग योर ओन? ये आपका अपना है? जी जी बिल्कुल, मेरा अपना ही है। मैंने इस कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े अपने लिए बनवाए हैं। ओके। तो वो मैंने पहले मेरा जमजमा था, और फिर अब जो है वो डॉलमेन मॉल फर्स्ट फ्लोर पर निशा किंग FPL के पे जाकर आप देख सकते हैं और ले सकते हैं, और जाइए बल्कि देखिए, आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज JS डूइंग नाउ डेज, लाइक क्या प्रोडक्शन क्या हो रहा है आजकल? प्रोडक्शन हम लोग एक्चुअली एक हम वेब सीरीज कर रहे हैं
और एक जो है हमारा एक टीवी के लिए हम सीरियल बना रहे हैं और एक सिटकॉम कर रहे हैं। तो अभी ये तीनों चीजें जो है कुछ पाइपलाइन में है, कुछ की शूट्स चल रही हैं, तो वो भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी मैनेज कर रहे हैं, बस अल्लाह भैया साथ दे रहे हैं हमारा। बड़े अरसे के बाद काम शुरू हुआ है, कोरोना की वजह से सारी चीजें रुकी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो तमाम SOPs के साथ जो है यहाँ पे भी काम हो रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। एनी लास्ट मैसेज टू अफगानिस्तान्स फॉलोअर्स? बस मैं इतना कहना चाहूंगी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पर हूँ। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ना हो तो शायद हम लोगों का ये सब कुछ आप लोगों के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो TV हो, किसी भी जगह सोशल मीडिया किसी भी जगह पर हम आप लोगों को खुश करने के लिए अपने इंटरव्यूज, अपने ड्रामाज, अपनी चीजें दिखाते हैं, बताते हैं, तो आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के व्यूज और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं हमें हौसला देते हैं, जिंदगी देते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम लोगों का जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और उन तमाम लोगों का जो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं, हसद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से मेरा और हौसला बढ़ता है और मैं और इतरा के काम करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू इरफान, हमारा भी बहुत शुक्रिया।